What happens when we educate girls? We empower them. Humaira Bachal, she's 25 years old. She started teaching when she was 15 in a three-room makeshift school. She now teaches over 1,200 students in the same rooms. Let's help Humaira build a bigger school in Pakistan. I fought to go to school, and I'm standing before as proof of how education can transform a life. Girls belong in classroom. मुझे ऐसा लगा कि 12 साल तक मैं जिस ख्वाब को देखती रही वो एक दिन में ताबीर हो गया। जब मैं इस जमीन पे आके खड़ी हुई तो मुझे वो सब लम्हे याद आ रहे थे कि जब लोगों ने ये सांसें कि किनको इस मोहल्ले से निकालो। असल में हम लोग के कौम में भी नहीं है ना, हम लोग कल्चर समझो नहीं बेचते, स्कूल शुरू से हम लोग पढ़ाते नहीं। ये माशरा बातें करते हैं, ये जवान लड़कियां बैग हाथ में लेकर ये जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं, हजार सी बातें होनी, यही मसला है कि इस वजह से नहीं बेचते। गैरत वाला एक बात है भाई, एक औरत बच्ची घर से निकलती है, दुनिया रास्ते में आते जाते सब उसको देखते। बेटियाँ हमारे जो हैं, बच्चियाँ जो शादी करके तो अपने ससुराल वालों का हाथ बटाएगी, तो उसका कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। 12 साल तक जो लोगों की बातें, जो फ्रस्ट्रेशन, जो चीजें बर्दाश्त करती रही, मुझे लगा कि वो एक लम्हे में सब कुछ कैद हो गया। अब सबकी जमानों पे ताले लग गए हैं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ काम होगा, सिर्फ काम होगा। हमने जो सोचा है बस वही होगा। फिर पहले से मेरे अभी ये जो चार बाल लगे हुए ना वो निकल जाएंगे, वो मेरी भाभी है। मेरा बाल निकलवा रहे। इतनी क्वांटिटी आ गई है कि अब हमें हर क्लास के 4 से 5 सेक्शन बनाने की जरूरत है। इस दफ़ा लड़कियां ज़्यादा लोग लेकर आ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमने एडमिशन से पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि जो माँ बाप अपनी बड़ी लड़कियाँ दाखिल कराएंगे उनके 2 लड़के हम फ्री पढ़ाएंगे। कितना साल है? 3 है, 3 साल है। अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, क्या मतलब है यार, अभी पढ़ाओ उसको। गर्मी तो छुट्टी के बाद नहीं है, नहीं इंतजार नहीं कर सकते। पहले एक दौर होता था कि हम डोर टू डोर जाते थे और लोगों को कहते थे कि आप बच्चे भेजो, स्कूल है, और अब हम डोर बंद करके कहते हैं मेहरबानी दाखिला बंद है। जैसे ही जगह बनेगी हम आपको फ़ोन करेंगे। पूरी आबादी को सिर्फ स्कूल में भरना ये मकसद नहीं है ना, मकसद तो उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है। तो इसलिए तकलीफ तो हो रही है ना बोलते हुए, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है। इस पुराने स्कूल से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं कि हमने अपनी शुरुआत यहाँ से की। हम एक हॉल से जहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, जहाँ बारिश का पानी आता था, जहाँ अंधेरा चारों तरफ और सारी क्लासें साथ में, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी खंडर से किसी बहुत अच्छे महल में आ गए हैं। मतलब तरक्की का एक अमल जो है ना, वो मुसलसल जारी रहने वाला अमल है और उस पर मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। जितने ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिए हैं, अब मुझे लगता है कि 10 और ऑब्जेक्टिव आके सामने खड़े हो गए हैं और जिसके लिए मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है कि अब वो अचीव हो।
हमारा मोहल्ला एक गरीब आबादी है और यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानों और तबकों से ताल्लुक़ रहने वाले लोग रहते हैं। गैंगवार के ग्रुप्स हैं बने हुए और दो गैंगवार ग्रुप्स के दरमियान जो है ना अक्सर और बेशतर झगड़े होते रहते हैं। इन दोनों गैंग के जो ग्रुप के लोग हैं उनके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं। एज ए स्कूल हमारी ज़िम्मेदारी ये बन रही है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें और वो वायलेंस को अपना कल्चर ना बना लें। किसी ने कभी लड़ाई देखी? कैसे, किसने देखी, किसने सुनी है आवाज़? सबने सुनी है। जो हमारा घर है इनके सामने इन्होंने एक प्लाट बनाया हुआ, जो भी मतलब आवाज़ उठाता है, जो भी करता है उसको वहीं पे ला के मारते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। रात के 12 बजे तक वो चीखे करता है, इतनी आवाज़ें आती हैं, इतनी आवाज़ें तो हम लोग कानों में रुई डाल के बाजी सो जाते हैं, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं होती। बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है और बहुत तो फायरिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, डर रहे हैं सारे। दुख नहीं है जो हमारे आपके बहुत से दोस्त स्कूल में नहीं है? बाजी बहुत दुख हुआ कि हमारे क्लास फेलो भी है मारिया, उसके अब्बू को भी मार दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो बच्चे जो क्लास में शायद सबसे ज़्यादा मस्तियाँ करने वाले, खेलने वाले, जवाब देने वाले, एक तरह से सहम गए हैं, डर गए हैं। अगर ठीक है हम जो जुर्म हो रहा है हम सामने नहीं बोल सकते गलत हो रहा ना, मैं तो ये यकीन कर सकते हैं ना कि ये सब गलत है और आप सब ने एक दिन बड़ा होकर इस सबको तब्दील करना है, क्योंकि इस मोहल्ले में सिर्फ वो लोग तो नहीं रहते ना जो गलत काम कर रहे हैं। हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, ठीक है? का जो इवेंट है वो वैसे तो बच्चों का एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डे है। जो पिछले दिनों में जो कुछ भी इंसिडेंट हमारे कम्युनिटी में हुआ है और जो कुछ लोगों पे गुजरा है उसके बारे में हम खुल के तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम थिएटर के ज़रिए हम लोगों को ये बताएं कि क्या हुआ है और उसके असरात क्या हैं। इस इवेंट में वो लोग भी आए थे जो मौज का अमन खराब करने में जिनका हाथ है। तो शुरू में हमें जैसे एक डर सा था, बच्चे करेज करते रहे, नहीं बाजी कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे, हम तो बच्चे हैं ना, हम तो बात कर सकते हैं, हम बोलेंगे।
कराची में हमने ऐसा स्कूल आज तक नहीं देखा। ये हम सोच भी नहीं सकते कि मुआज गोल्ड के अंदर इस तरह की एक बिल्डिंग तामीर होगी। वाकई ख्वाब सा ही लगता है, जो इसका नाम है, टाइटल नाम है इसका, उसी के हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिबत है कि ये ख्वाब है, और ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं है, हकीकत हो चुका है हमारे लिए। एक वक्त की मेहनत के बाद हम कम अज कम लोगों के जहनों पर अब असरअंदाज हो रहे हैं। इस अचीवमेंट ने ना और ख्वाब देखने पे ना मोहर लगा दी है। ड्रीम स्कूल सोचा था ना, अब ड्रीम यूनिवर्सिटी सोचो।